प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी प्रोमो देखा है और 4:45 मिनट का प्रोमो है। बोले यार ये तो रोहित शेट्टी की फिल्म लग रही है, नहीं उससे ऊपर होगी। और उस लेवल का जिसने भी प्रोमो काटा है, जो शूट किया है, जो डायरेक्टर हैं, जो कैमरामैन हैं, जिन्होंने लिखी है, पूरी टीम को जिन्होंने प्रोड्यूस किया, जिन्होंने एक्ट किया, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कमाल का है। और ऐसे ही प्रोमो, ऐसे ही फिल्में बनेगी तो जाके इंडस्ट्री और ऊपर जाएगी। तो सोच इतनी अच्छी है फिल्म मेकिंग की, तो नो डाउट आज हम यहाँ नहीं बहुत आगे जाएंगे। और भैया ने एक बात बोली मल्टीप्लेक्स, सामने वाले मल्टीप्लेक्स वाले खुद बुलाएंगे प्रोमो देख करके, नहीं हमारे यहाँ भी रिलीज होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं, पवन जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र जब से काम करने लगे हैं तो कुछ रिसर्च करता हूँ और देखता हूँ इनकी फैन फॉलोइंग। बड़े बड़े हीरो लोगों की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी पवन जी की है, और लोग जानते हैं और रियल में स्टार हैं और हीरो लगते हैं, जिनको हीरो बोलते हैं वही हीरो लगते हैं। तो आगे यही नहीं, सिनेमा बहुत आगे तक जाने वाला है। और पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं शुरुआत जानते हैं ब्रजेश जी, मैं कहाँ से किया, किस तरीके से किया, कैसे सिनेमा में आया, देवेंद्र जी आए, धनंजय आए, मेरे भाई लोग आए, किस तरीके से इसको आगे लेके आया। बिगिनिंग में जुड़ा रहा भोजपुरी सिनेमा से, काफ़ी फिल्में किया भोजपुरी की, उसके बाद से आज जगह पे आया जो बॉलीवुड की फिल्में डायरेक्ट करता हूँ। मेरी बहुत लगाव है मातृभाषा होने के नाते, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है आज मेरे भाई लोग इस सिनेमा से जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मेरे भाई ने बहुत ही बेजोड़ फिल्म का प्रोमो मुझे दिखाया, आशा है फिल्म भी इससे ऊपर होगी। थैंक यू सो मच। मनोज तिवारी की स्ट्रगल मैंने देखी है दोस्तों, और ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसी को बोलते हैं फर्श से अर्श पर जाना। ये आदमी ने बहुत मेहनत की है, बिगिनिंग में कम से कम नहीं तो 2500 फिल्म, मेरे ख्याल से 20 फिल्म तो भोजपुरी इन्होंने असिस्ट किया हुआ था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम भी मैंने देखा जब मैं इनके साथ फिल्म कर रहा था जोर सनी देओल की, तो कोई शॉट ओके नहीं होता था जब तक ये नहीं बोलते थे हाँ। सनी देओल शॉट देने के बाद सबसे पहले इनको देखता है और इन्होंने हाँ बोल दिया तो फिर समझिए ओके, नहीं तो फिर नहीं। क्या था उसमें प्रॉब्लम, ये था कि मैं शुरुआत किया था भोजपुरी सिनेमा से, भोजपुरी सिनेमा में मुझे टेक्निक सीखने को बहुत मिला, क्योंकि नए नए डायरेक्टर आते थे, उनको आता नहीं था, बोलते थे स्टार्ट कट मैं बोलूँगा, डायरेक्टर मैं रहूँगा, बाकी काम आप करो। तो पूरा टेक्निक सीखने को मिलता था, पैसा भी मिलता था, काम करने को मिलता था, तो पूरा डायरेक्शन मैं सीखा। जब हिंदी सिनेमा में गया तो लोगों को बोले यार तुमको तो बहुत अच्छा काम आता है, तुम इतने असिस्टेंट क्यों, तुम डायरेक्टर बनो। तो मैंने पहली फिल्म जब जोर किया सनी देओल सुष्मिता सेन की, साउथ का डायरेक्टर था और सनी देओल का ऑरा बहुत बड़ा था, तो गलत डायलॉग भी बोलते तो कोई बोलता नहीं, अरे चुप रहो बोलो नहीं, मैं गलत बोल रहा तो बोलूंगा क्यों नहीं भाई। जब बोलता था तो सनी देओल बोले नहीं ये आदमी हमेशा चाहिए, जब तक ओके नहीं बोलेगा कोई शॉट नहीं दूंगा। उसके बाद उनके साथ इंडियन चैंपियन दिल लगी सहित 2500 फिल्में किया, लास्ट फिल्म थी घायल वंस अगेन जिसका क्रिएटिव डायरेक्टर था। 2-3 फिल्में भैया ने भी मेरे साथ काम किया, पहली फिल्म डायरेक्ट किया सुभाष घई के लिए, पहली फिल्म पूर्वांचल से आकर के घई साहब की फिल्म डायरेक्ट करना, और 33 साल के कैरियर में पहला आदमी हूँ उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बना, आज तक कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनाया। दूसरी फिल्म बनाया ग्लोबल बाबा, अभी एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका देवेंद्र ने DOP काम किया, माइंड ब्लोइंग है, अच्छी फिल्म बनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो जुनून है कि फिल्म अच्छी बनाएंगे, कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। Planet Bhojpuri